हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फैन पे में अगर आपने अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, जो भी आपका पैन डिटेल या सेल्फी वेरिफिकेशन या आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो ऐसे में आपका अकाउंट जो क्लोज हो सकता है। दोस्तों तो आइए बताते हैं, दोस्तों अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, अपने अकाउंट को अपडेट नहीं किया है, तो जब आप फैन पे ऐप को ओपन कर रहे होंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर जो कि आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि चूंकि जो आपका वॉलेट है IDFC का जो वॉलेट है आपका दोस्तों जो क्लोज जो कि किया जा रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी आपका बैलेंस है अपने फैन पे अकाउंट में जो बैलेंस है, उस बैलेंस से दोस्तों आपको ट्रांसफर करना होगा आपका जो अकाउंट जो क्लोज जो कि हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आपको तो इस तरीके का नोटिफिकेशन जो कि मिल रहा होगा। एंड यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि जितना सर आपका यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है कि आपके वॉलेट में इतना बैलेंस है, इस बैलेंस को आपको विड्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको विड्रॉल नाउ ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो भी आपके पेरेंट्स होंगे या आप लोग अपना भी डाल सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होगा। जो भी बैंक है, नेशनल बैंक होंगे या प्राइवेट बैंक होंगे, अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या पंजाब नेशनल बैंक होंगे, जो भी आपका अकाउंट का नंबर होगा यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। आप लोग अपना भी यूज कर सकते हैं या तो आप लोग पेरेंट्स का जो कि यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा, फिर से अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डालना होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको बोल जा रहा है कि आपका अकाउंट होल्डर नेम, जिनका बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा उनका ही जो कि हो यहाँ पर होल्डर नेम में डालिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर विड्रॉल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इतना सर में करने के बाद आपका होगा क्या कि जो आपका फैन पे वॉलेट में बैलेंस है, IDFC वॉलेट में जो बैलेंस है फैन पे अकाउंट का, वो आपके जो जिस अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे उस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर जो कि कर दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आप में आपको बताया जा रहा है कि जो ये बैलेंस प्रोसेस है, जो बैलेंस ट्रांसफर का प्रोसेस है, 5 से 7 दिन जो कि लग सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप कर देना होगा एंड विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक कर विड्रॉल कर लेना होगा। ठीक, इसके बाद आप फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। एंड फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए स्क्रॉल कीजिएगा तो कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए और देखिए मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि पैसों को ट्रांसफर ना कर कोई गिफ्ट कार्ड किन लें या जी प्ले रिचार्ज कर लें, तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ से कुछ और भी बाय कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर का गिफ्ट कार्ड जो भी बाय जो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है कि जो भी आप IDFC वाले ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो कि यहाँ से देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर आप लोग देख सकते हैं कि कितना आपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो कि किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप चाह रहे हैं चैट से बात करने के लिए तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चैट से जो कि बात कर सकते हैं कि हमारा जो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्हें फैन पे अकाउंट जो कि ओपन हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हमने फिलहाल इन चैट से जो कि बात किया हुआ है कि देखिए हमारा ये प्रॉब्लम जो कि आ रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए उनके तरफ से चैट में बताया गया है कि जो आपका अकाउंट है जो कि क्लोज जो कि किया जा रहा है, आपने KYC जो कंप्लीट जो कि नहीं किया हुआ दोस्तों, अपग्रेड नहीं किया है इस वजह से दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। एंड यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ पर कुछ FAQ बनाया गया है, इस पर क्लिक कर आप जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या FAQ बताया गया है कि हवाई न्यू अकाउंट, जितना सारा यहाँ पर आपको FAQ है आप लोग जान लीजिएगा दोस्तों, एक अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ से जानने के बाद आप लोग पैसा विड्रॉल जरूर कर लीजिएगा। विड्रॉल करने के बाद आपको अकाउंट को सीधे से आपको लॉग आउट कर देना होगा। लॉग आउट करने के बाद आप लोग देखिएगा अपने अकाउंट नंबर जाकर चेक कर लीजिएगा, बैलेंस जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट में बैलेंस आया हुआ है या नहीं, हो जो विड्रॉल आपने जो कि किया हुआ है। तो बस इस वीडियो में इतना है कि आपको अपने पैसों को विड्रॉल कर लेना होगा, आपने तो अपने फैन बैंक अकाउंट को अपग्रेड नहीं किया हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम जो कि आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग अपने अकाउंट को अपग्रेड तो करने का ऑप्शन नहीं मिल सकता है, तो आप लोग पैसे को विड्रॉल कर लीजिए। तो जो भी डाउट या कन्फ्यूजन होंगे तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।